बोलना, कैसे याद किया? लोनावला आ रहा है क्या? हाँ यार, एक महीने में वहीं रहूंगा। आ जाना यार, मेरे घर में रह लेना, तेरे लिए मैं हूं ना। नहीं, मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए यार। पता ना यार, तेरे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। तेरी यारी मुझे बहुत प्यारी लगी यार। मैं तुम्हें एक एड्रेस एसएमएस कर रहा हूँ, है या नहीं पता लगा? तू एड्रेस भेजना यार, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। तू वहां जाकर उनके बारे में पता लगा और नहीं मिले तो मुझे कॉल कर देना, ओके? अच्छा ठीक है यार, अभी जाता हूँ। ओके यार, कल सुबह तक आ जाऊंगा, बाय। इतने परेशान क्यों हो? ऐसा भी क्या सोच रहे हो? तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तुम मुझ पर इतना भरोसा करके कैसे आई? कैसे क्या आ गई हूँ? मैं ट्रेन से आई और उतरने के बाद ऑटो से आई। इतनी जल्दी भूल जाऊंगी क्या? तुम इतनी बड़ी ट्यूबलाइट कैसे बन गई? मुझे एक बार और ट्यूबलाइट कहा ना तो मैं अपने गाँव चली जाऊंगी। सॉरी सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा। तुम्हें मेरे दिल में ही रहना होगा, मेरे पास ही रहना होगा। रहूंगी ना, हमेशा साथ रहूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं पापा के पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी। तुम मुझे एक चांस देके देखना, मैं तुम्हें अपनी दिल की रानी बना के रखूंगा। फिल्मों के डायलॉग मत मारो, जिंदगी भर साथ दो वही काफी है। एक पल के लिए भी तुम्हें बिना छोड़े तुम्हारी साया बनी रहूंगी। मेरे नस नस में तुम्हें बसा लूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो कौशिका, मैं तुम्हारे आंखों से कभी भी आंसू नहीं गिरने दूंगा और तुम्हारे गालों की हंसी को कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया, लेकिन तुम मुझसे कितना प्यार करते हो वो दो दिन में पता चल जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला, बोलो ना। ये तो सस्पेंस है, बाद में बताती हूँ। हेरो, इतनी सुबह सुबह वॉकिंग क्या कर रहा है? तुझे वॉकिंग की क्या जरूरत है? मैं कोई वॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो परिदक्षिणा कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मंदिर में जाके करता तो भगवान खुश होता, यहाँ करने से क्या मिलेगा? घंटा। काम वाले को काम देने वाला भगवान होता है, ये घर मेरा भगवान है, इसीलिए इसकी परिदक्षिणा कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, दोबारा ऐसे सुबह सुबह वॉकिंग करके मुझे डराया मत करना, चल भाग यहाँ से। कौन है आप और क्या चाहिए? मैं नौकरों से बात नहीं करता, मैं सिर्फ मालिक से बात करता हूँ। इस घर का ओनर मैं ही हूँ फिलहाल के लिए। तू शक्ल से तो इस घर का मालिक लग नहीं रहा है, नौकर है नौकर की तरह रहे। ए, ये तेरे बाप का घर है क्या, हिलाते हुए चला आया? मैं सिर्फ मालिक से बात करना चाहता हूँ, मालिक के चमचे से बात नहीं करता, चल हट। मुझे चमचा कहता है? मुझे? मेरे जीजू का राइट हैंड हूँ मैं, मुझे चमचा कहता है तू? रुक जा, अभी दिखाता हूँ तुझे मैं। जीजू 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 ओ जीजू 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 जीजू, क्या हुआ? इसे देखो ना, ये मुझे चमचा कहता है। सिटी में आने से नौकर कभी ओनर बन सकता है क्या? चाहे जो भी हो, इसे सबक सिखाना होगा। मैं सिर्फ मालिक से बात करना चाहता हूँ। वो यहाँ नहीं रहते हैं, मेम साहब यूएसए में रहती हैं और इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये पहले ही बोल देता तो तेरा क्या जाता। ऐसे अगर घर पे कोई भी आता रहा तो कल को मेम साहब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? आगे से कोई आया तो उसे गेट के पास ही रोकना होगा। तुम गेट के पास देखो, मैं डोर के पास देखता हूँ। वो तो क्या, किसी को भी इस घर के अंदर आना सख्त मना है। जीजू, जब तक मैं यहाँ हूँ ना, चींटी चींटी को भी अंदर आने नहीं दूंगा मैं। अगरबत्ती मच्छरों के लिए ऑल आउट है, चींटियों के लिए चींटी की दवा है। उसे अंदर आने से रोकना हो तो तुम्हें गेट के पास खड़े रहना होगा, समझ गए ना? बहस बंद करके उसे अंदर आने से रोकने के लिए हमें कोई जल्दी प्लान बनाना होगा। आप दादागिरी मत करो भाई, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। हमारे पास इतना बजट नहीं है, इसलिए प्लान ए, उसे गेट के पास से ही भगाना होगा। प्लान बी, उसे किसी तरह डराकर बाहर भेज देंगे।
अगरबत्ती, उसे देख के नहीं लगता कि वो भाग जाएगा और हम उसे भगा पाएंगे, याद रखना। हाँ, उसे भगाने तक मैं भी भागूंगा, मैं स्ट्रेट रनर हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या तुम सच में भागने वाले हो? ऐसा है क्या, इनडायरेक्ट भाग जाऊंगा कह रहे हो क्या? ठीक है संदीप, चलो वो जब जाएगा तो देखा जाएगा, हम अपना काम करते हैं। हाय डार्लिंग, कहाँ हो तुम? कहीं भी रहूं, तुम्हें क्या, तुम्हारी एक लवर भी है, भूल गए क्या? कैसे भूलूंगा, तू मेरी जान है यार, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम भूल जाओगे तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे, जान से मार डालूंगी तुम्हें। आई लव यू। आई लव यू टू, आई मिस यू यार। आई लव यू टू, आई मिस यू टू। कल मिलती हूँ मैं तुमसे। कब और कहाँ बता दो, नहीं तो अभी तुरंत आ जाऊंगा, उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओवर एक्टिंग मत करो, मैं बुलाऊंगी तब आना। ठीक है डार्लिंग, तुम बस मुझे एक फोन करो, मैं तुम्हारी गोद में हूंगा। पार्क में बहुत सारी जगह है, वहां आकर सो जाना, कल आना भूलना मत। भूल जाने के लिए मैं कोई गजनी फिल्म का आमिर खान लगता हूँ क्या तुम्हें? तुम्हारा जाने मन हूँ। ओके बाय। अरे क्या हुआ? मैं वहाँ से बात करते हुए आ रही थी तो ऐसा लगा मुझे किसी ने खींचा हो, मैं गिरने वाली थी। मेरे प्यार में गिरने के बाद तुम्हें कहीं और गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे प्यार में गिरने के बाद बहुत तकलीफ उठा रही हूँ। अच्छा, फिर भी एक अनजान सी खुशी है तुम्हारे साथ हूँ तो, पता नहीं क्यों। पता चला तो वो प्यार कैसा होगा? जो खुशी दिखाई नहीं देती वही प्यार है, इतना काफी है जिंदगी जीने के लिए। जीने के लिए इतना काफी नहीं है, पैसे भी चाहिए और इसे कमाने के लिए काम पे लग जाओ। ओके, एक चुम्मा तो दे दो ना। हेलो, बोलना, कहाँ पर है? मैं एयरपोर्ट पे हूँ, कैसे आऊँ यहाँ से? ठीक है, मैं पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। ओके, जल्दी आ जाना। ओके बाय। यार हमें मिले हुए कितने दिन हो गए ना। हाँ यार, बहुत सालों के बाद दोबारा मिले हैं। सुनो, मेरे एड्रेस पे गए थे क्या, क्या हुआ? वहाँ मालिक नहीं था यार, कोई काम वाला रहता है। मालिक की बेटी अमेरिका में रहती है, काम वाला अपनी कमाई जोरों पर कर रहा है। इसी समय हमें वहां जाना होगा। किस लिए यार, घर का मालिक तो मर चुका है। घर गिरवी रख के 5 लाख लिए हैं यार, किसी भी तरह वो वसूल करने। चलो यार, जब तक पैसे नहीं मिलते उसी घर में रहेंगे। और वैसे तू मेरे साथ रहेगा ना यार? जरूर रहूंगा यार। यही वो घर है।
बता रूम कैसा लगा? ओके यार, डन करते हैं। हे, कौन हो तुम लोग? बिना पूछे मेरे घर पे कैसे आए? निकलो अभी बाहर। आप रुकिए जीजू, दोनों को काट डालूंगा मैं। तुम्हें रोका किसने? बिल्डअप करना बंद करो, बेवकूफ का हुआ कहीं का। तुझे देखकर हंसी आ रही है, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं डर जाऊंगा? इसे देखकर हंसी आती होगी, मुझे देखकर डर भी आएगा। तुम दोनों की बैंड बजा दूंगा। तो किसकी बैंड बजाएगा रे? हाँ ए, तुम दोनों यहीं पर रुकना, देख लूंगा तुम दोनों को मैं, देख लूंगा। Cheers. ये विस्की खत्म होने तक फैसला कर दूंगा इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। विस्की खत्म नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, मैं यही 6 महीने तक रुकूंगा। पीने से पहले कुछ और, पीने के बाद कुछ और नहीं कहते मेरे जीजाजी। ऐसा क्या? बकवास बंद कर और इसमें थोड़ी विस्की डाल। चमचे लोगों को मालिक जैसी बात नहीं करनी चाहिए। ए, तुझे कितनी बार कहूँ कि मैं चमचा नहीं हूँ? क्लीनर हो चाहे टॉयलेट क्लीनर, काम तो एक ही है ना। छी, आप समझिए ना जीजाजी। ए, चमिये के बिना पता है कोई काम नहीं होता, पहले विस्की डालना है। डालना है। डालेगा ये है? नहीं डालेगा तो विस्की नहीं मिलेगी। तू कोई नौकर नहीं है, अपना ही बंदा है। हमारा काम हमें करने में क्या बुराई है? घर खाली नहीं करेगा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। बैर टूट जाए तो भी फिकर नहीं, पट्टी बांध कर यहीं रहेंगे। आप राम है तो मैं हनुमान हूँ जीजू। भक्त है तो मंदिर बना ले, अपना हाथ मत तोड़ा। ये सब छोड़ो, मैं 6 महीने का रेंट दे चुका हूँ, तब तक मैं इसी घर में रहूंगा। मैंने कर्जा दिया, पैसे के लिए पूरा घर बेच दूंगा। इस घर को बेचोगे या छोड़ोगे वो तेरी मर्जी है, जो भी होगा 6 महीने बाद ही होगा। हाँ तो जब तक रहेंगे यही रहेंगे ना यार, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे मंजूर नहीं है तुम लोगों का यहाँ रहना, मुझे मंजूर नहीं है। तो उससे परमिशन कौन मांग रहा है बे? मैंने अपना फैसला सुनाया है। इस अगरबत्ती का ना धुआं धुआं निकाल दूंगा। ए, आधे घंटे में आसमान के तारे गिन सकता हूँ मैं, ऐसे में तू मेरा धुआं निकालेगा? तेरी तो ए? ओके, हम सब यहाँ रहने का मन बना ही लिया है, आज से हम सभी फ्रेंड्स। पार्टी तो अच्छी लगी यार, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। एंटरटेनमेंट मिस हुआ यार। हाँ, अब हमें एंटरटेनमेंट कौन कराएगा? या है ना असली हीरो। जीजाजी, मैं एंटरटेनमेंट कैसे करूं जीजू? चल जाना, जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या करूं जीजू? तू रामगोपाल वर्मा की नकल उतारता है ना, वही कर। ओके, अब रामगोपाल वर्मा लोकेशन में कैसे रहते हैं दिखाता हूं। ओके कम रोल कैमरा। देखना सही कर रहा है यार। नो शुड कैंसल, लिसन। देख यार इसे। ओके कम फास्ट फास्ट। सुपर यार, क्या कर रहा है। गोपीचंद कम। दिस फिक्स पैनल। कम ऑन फास्ट। सुपर यार।
क्या मेरा एक्शन अरे देख मैं क्या मस्त कर रहा है यार This frame, okay? Next. This frame. This is final. Come, come, cut, cut. Pat. इसे देख मैं यार बच्चों जैसा कर रहा है. Camera. Action. Cut, cut. One more. Yeah, yeah. Okay, yeah. Hmm? Hmm? That's it. Back up. अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. Back up. Back up. Back up. क्या बात है सुबह सुबह फोन किया? मिलने के लिए कहा था ना इसलिए. हाँ कहाँ पर? कॉफी डे है ना वहाँ पर आ जाओ. ओके 10 मिनट में तेरे सामने रहूँगा. ओके थैंक यू. Thank you. Hi. इतनी देर क्यों की? तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पर कितनी देर से वेट कर रही हूँ? तुम मेरा जितना वेट करोगी प्यार उतना ही बढ़ेगा, इसीलिए मैं जानबूझकर लेट आया था. ये मेरा फ्रेंड जय. बहुत अच्छा किया. ये मेरा फ्रेंड जय. Hi. मेरी लवर कविता. Hi. थोड़ा पर्सनल है यार. कोई बात नहीं. ओके 10 दिन के लिए बाहर चलते हैं, क्या कहते हो? मैं क्या बोलूं, सब तुम्हारी मर्जी है. मेरी मर्जी क्या है? तुम नहीं आओगे? ऐसे बोल रहे जैसे तुम आओगे ही नहीं. ओके ओके चलता हूँ. ये हुई ना बात, चलो लेट क्यों है. जय जरा मेरी बात सुन, मेरी डार्लिंग 10 दिन के लिए टूर जाना चाहती है. ओके तो मैं घर जाता हूँ. आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सब मिलके चलते हैं. वसु तुम घर चली जाओ, 10 दिन के बाद मिलते हैं. मैं और विहारी टूर पर जा रहे हैं. हे मैं यहाँ क्या करूंगी? तेरे बगैर अकेले कॉलेज जाऊंगी क्या? मैं भी आकर एंजॉय करूंगी. सुनो ऐसी बात है तो चारों घर चलते हैं, वहीं डिसाइड करते हैं. तुम दोनों को चलेगा? मैं रेडी हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है. चलो. हाँ चलो. वाओ बहुत अच्छा है. हाय संदीप. हाय. ये हमारी फ्रेंड्स हैं. हाय. 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 आओ अंदर.
हाय। पिक देखो, हम दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। इस फोटो में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लगता है इसे देखता ही रहूं। तुम्हारे साथ मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हें अपने पास देखकर भी लगता है जैसे कोई सपना देख रहा हूं। हमारा प्यार सपना नहीं, एक हकीकत है। शादी करके लोगों को बताना चाहिए। हमारी शादी धूमधाम से होगी, इसीलिए देरी हो रही है। अगर तुम बोलो तो शादी अभी कर लेता हूँ। तुम्हारे प्यार पर मुझे भरोसा है। आई लव यू। आई लव यू टू। इसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर इतनी दूर तक आई हूँ और उसे मेरा जन्मदिन भी याद नहीं है, तो वो मुझे क्या याद रखेगा? हे! आज के दिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? मुझे अकेली छोड़ के कहाँ चले गए थे? पहले हमारे पीछे पीछे घूमते हो, अपना काम होने के बाद तुम्हारे पीछे घुमाते हो, इसलिए तुम मर्दों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ओके, एक बार मेरे साथ बाहर चलो, एक सरप्राइज है। हे संदीप, कहाँ ले जा रहे हो? बताता हूँ, सबर रखो। अंधेरे में क्यों लाए हो? सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कौशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। संदीप, मैंने सोचा था तुम मेरा बर्थडे भूल गए। मैं मेरा बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो जाने मन। ओके ओके, अब चलो केक काटो। फर्स्ट टाइम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। ओके, मेरा ये जन्मदिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। I'm so happy. Once again, wish you happy birthday, कोशिका। ऐसा जन्मदिन 100 बार मनाओ और हर बार हम साथ में सेलिब्रेट करें, ओके? तेरी बर्थडे पे तूने बुलाया नहीं, फिर भी मैं आ गई। अगर अगली बार तूने मुझे अपने बर्थडे में नहीं बुलाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। थैंक यू संदीप, मेरे माँ बाप के बिना ये मेरा पहला बर्थडे है। उनकी कमी को आपने पूरा किया है, ये सब तुम्हारी वजह से संदीप। थैंक यू सो मच। इट्स ओके बेबी।
कौन है जो इतने सारे मैसेज कर रहा है? मेरा तो नंबर भी नया है। एक बार कॉल करके देखता हूं। हेलो, कौन? मैं प्रिया हूँ। प्रिया? हाँ। कौन सी प्रिया? वही प्रिया हूँ, वही जो कॉलेज में तुम्हारी क्लासमेट थी। हमेशा तुम मेरा पीछा करते थे, मैं तुम्हें डांटा करती थी, याद आया? उस वक्त मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अनजान सी अट्रैक्शन थी। वैसे पूछना भूल गई, आप जय ही हो ना? हाँ, मैं जय ही हूँ। बोलो प्रिया। सॉरी जय, कॉलेज में देखा था ना, आवाज को भी पहचान नहीं पाई। तुम मुझे बहुत पसंद हो, आई लव यू। सेम टू यू प्रिया। हाँ? तो कभी किसी लड़की को प्रपोज किया हो तो पता चलता। आई लव यू, आई टू लव यू प्रिया। ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? यही रहने की बातें कर रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। संदीप, एक दो दिन सब्र करो, वो जाने ही वाले हैं, उसकी चिंता तुम मत करो। वैसे भी उनके यहाँ रहने से हमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, इस घर को रेंट पे हमने लिया है या उन लोगों ने लिया है? सब रहेंगे तो हम फ्री नहीं रह सकते। करेक्ट है, लेकिन उन्हें देख के लगता है कि वो झगड़ा करने वालों में से है। मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। जो भी करना है तुम्हारी मर्जी, वो यही रहेंगे तो हम फ्री नहीं रह सकते। जो दिल में है वही कह रही हूं। ठीक है ठीक है, कुछ तो कर लेंगे ना। उन्हें किसी तरह घर से खाली करवा दूंगा। वेरी गुड, जितनी जल्दी खाली करवाओगे उतना बेहतर है। तो इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है? कुछ आवाज आई थी इसलिए चलाया। जाकर सो जा, यहाँ कुछ भी नहीं है।
सुबह सुबह सीढ़ियों पर बैठकर क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ। किसी की याद आ रही है क्या तुम्हें? तुम किसकी सोच में डूबे हुए हो? किसी को मिस करने की फीलिंग आप में दिखाई दे रही है। मम्मी डैडी बहुत याद आ रहे हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मम्मी पापा को याद करने की उम्र नहीं आपकी और मेरी। होने वाली मंगेतर है या गर्लफ्रेंड है मुझे नहीं बताओगे? बताइए, मुमकिन हो तो उसकी फोटो दिखाइए ना। तुम्हें एक बात पता है? क्या है बताइए। मेरी कोई लवर नहीं है, अभी कोई मैच भी फिक्स नहीं हुआ है। Still, I am bachelor, you know? मेरे हिसाब से तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड पसंद है ना? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे प्यार करने वाले को मैं खुद ढूंढ लूंगी, अभी उसी काम पे लगी हूँ। उसे देखते ही मेरे दिल की घंटी बजनी चाहिए। लगता है तुम्हें देखकर कई लड़कों की घंटी बजी होगी। आई थिंक आपको 100 लव लेटर तो मिल ही चुके होंगे, है ना? आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो, लड़कियों के लिए ये सब कॉमन है। फिर भी लेटर देने वाला मेरे दिल को भी पसंद आना चाहिए ना। तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? वो कौन है सबसे पहले आपको बताऊंगी। हाँ चलो। ओके। हे, एक बात बताना चाहता हूँ यार, तुम सबको बिना डरे सुनना होगा। पहले विस्की पी लो, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। इस घर में भूत है यार। क्या हो यार, हमारे जोक्स पे हंसी नहीं आ रही है, इसलिए तुमने अपने जोक्स बनाने चालू कर दिए। सच में यार, घर में भूत है। अरे बस कर यार, तुम कहोगे इस घर में भूत है तो लोग मजाक उड़ाएंगे यूं ही। अबे क्यों फेंक रहा है, भूत भी नहीं और भूतनी भी नहीं है, तू ही ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा। ए, हर दिन इसी समय पे उस दरवाजे की कुंडी ना अपने आप हिलती रहती है, अभी देखना। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अरे वो सब क्या हो रहा है यार? ए, अभी वहां पर चार चीजें एक के बाद एक करके धड़धड़ धड़धड़ गिरती रहेंगी। अरे इसकी तो। ए, हवा से पर्दा नहीं हिलता है क्या? डोर के पास की चीजें नहीं टूटेंगी, उसमें डरने की क्या बात है? अरे अभी तो सिर्फ फर्स्ट लुक ही देखा है, ट्रेलर भी बाकी है, पूरी फिल्म भी बाकी है। ट्रेलर भी नहीं और फर्स्ट लुक भी नहीं, अगर मुझसे पंगा लिया ना तो उस भूतनी की बजाय डालूंगा। अरे कहां गायब हो गया यार? अरे कहां गया? अरे कहां गायब? अभी तो यही था। अरे यार अभी तो यहां चला गया। समझ नहीं आ रहा कुछ, कहां गया तो बेटा? कहां गया? ए कहां चला गया यार? कहां अचानक कैसे गायब हो गया? बैठे-बैठे गायब हो गया। अरे बाप, क्या रे अगरबत्ती, भूत ने ठीक से धोया ना? मेरी बात को मानते ही नहीं है। तू अचानक गायब कहां हुआ था? उसने मेरी बजा डाली। करेगी तू ये सब? गलत कर रही है, चली जा यहां से। वसु, क्या हुआ वसु, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फिर से कह रही हूं, चली जा अपने घर। मैंने कहा चली जा, चली जा यहां से। तुम्हारे बिना नहीं जा सकती वसु, तुम आओगी ना?
दीदी बचा लो, दीदी बचा लो, बचा लो दीदी। कौशी, कौशिका, कौशिका, ए क्या हुआ? कौशिका, कौशिका, कौशी, तुम्हें जान से मार डालूंगी। दीदी क्या हुआ? दीदी तुम ऐसे डर क्यों रही हो? कुछ नहीं कौशिका, कुछ नहीं हुआ। जीजू यहाँ देखो क्या रखा है। मैं भी तो वही देख रहा हूँ। इतने दिन तक सब कुछ ठीक था, उसके आने के बाद सब बदल गया। सही कहा, ये सब भूत प्रेत आने के बाद ही शुरू हुआ। वही शायद ये सब करते होंगे या किसी के हाथों से करवाते होंगे। वो भी तो हमारे साथ में रहता है, मुझे नहीं लगता है उसने किया होगा। हाँ तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? किसी भी तरह इसका पता लगाना होगा। हाँ तो मैं उनकी जासूसी शुरू कर देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बिहारी, क्या कर रहे हो? काफी मेहनत कर रहे हो। कॉफी बना रहा हूँ। अरे वाह, किसके लिए? और किसके लिए, अपनी प्यारी स्वीट हार्ट के लिए। थैंक यू। ये बताओ अचानक इतना सारा प्यार क्यों दिखा रहे हो? मेरे दिल ने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कहा, इसीलिए मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। नई लड़की को पटाने के लिए इम्प्रेस करना पड़ता है, ऑलरेडी पटी हुई लड़की को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत? कभी कभी इस तरह से इम्प्रेस करने से हमारा प्यार और ज्यादा बढ़ता है। इम्प्रेस करने से मिलने वाला प्यार कुछ दिनों के लिए रहता है, वहीं अपने आप होने वाला प्यार लाइफ लॉन्ग रहता है। वैसा ही प्यार मुझे तुमसे पहली नजर में हो गया था। हाँ तो मेरा प्यार इम्प्रेस करने की वजह से नहीं हुआ है, अपने आप ही हुआ है, समझ गई ना? इसीलिए तो इतने सालों से हम साथ हैं। असल में तुम्हें ऐसा डाउट क्यों आया? परसों मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें अट्रैक्शन अलग और लव अलग दिखाया गया था। हमारा प्यार कैसा है, बस इसीलिए ट्राई किया था। छी, चुप करो, हमारे प्यार पर तुम्हें शक है? गुस्से में तो बड़ी प्यारी लगती हो। अच्छा, Thank you.
चूहा कहीं का देखता हूँ कहां तक बचेगा। लाइट चली गई इसलिए बच गया। तो तुम डर गए ना? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की ना? बस करो मेरी माँ, बस करो। अब जाओ ना, मैं तुम्हें सच में भूत नहीं समझ बैठा था। हाँ? आखिर तुम दोनों लवर्स हो या हस्बैंड वाइफ हो? लवर्स है, क्यों? कुछ भी नहीं, शादी से पहले साथ में रह रहे हो ना इसीलिए। हम अगर अपने लिमिट्स में रहेंगे तो क्या गलत है, लेकिन लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो गलत होगा। और बाद में हमें ही रिस्क होगा। हम दोनों भी डेट ही कर रहे हैं और हम दोनों लिमिट्स में रहते हैं। तुम दोनों आखिर कहना क्या चाहती हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। तकलीफ होगी इसीलिए तुम्हें एक सलाह दी, बाद में उस पर चलना नहीं चलना तुम्हारी मर्जी है। दूसरों से सलाह लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो कौशिका? दोस्ती में कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ बिहारी, सब इतने शांत क्यों बैठे हैं? पता नहीं, मुझे लगता है हमें कोई डराना चाहता है। हाँ तो वो काम वाला भी हो सकता है या फिर संदीप भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता काम वाला ये सब कर सकता है, लेकिन संदीप हमसे बहुत नाराज है। मुझे डाउट है कि वही ये सब कुछ कर रहा है। हाँ जय, संदीप तो थोड़ा टेढ़ा लगता है और वो कौशिका भी उसी तरह की है। शायद वही दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। चलो उसी से पूछते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शक करना तो जायज है, बट बिना सबूत के हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। अभी हमें वेट करना पड़ेगा। इन्हें रंगे हाथों पकड़ के सबक सिखाएंगे ना, तब पता चलेगा। हम सब मिलकर कोई डाउट आए बिना नाटक करते हैं, ओके? ठीक है ठीक है। What happened कौशिका, ऐसे डर क्यों रही हो? अगर इतना डर है तो दोनों एक ही रूम में सो जाओ। आ, 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 आ,
पर 10 दिन तक उठ नहीं पाऊंगा मैं। अरे कोई उठाओ मुझे। अरे फिर लाइट बंद कर दी। सब लोग ऐसे डर क्यों रहे हो? इतना कुछ हो गया, डर तो हमें लगेगा ना जय। यहाँ कुछ तो है, वो हमारी जान के पीछे पड़ी है। फिल्मों में जैसे भूत सबको मारती रहती है ना, उसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है। मैं सब समझ गया, तुम सबको साइकेटिस्ट की जरूरत है। तुम्हारे दिमाग में भूत भरा हुआ है, इसीलिए हर छोटी छोटी बात में भूत नजर आता है। ऐसा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। क्या जय, आंखों के सामने नजर आ रहा है तो यकीन कैसे ना करें? भगवान को मानने वाले हर व्यक्ति को भूत पर भी विश्वास करना होगा, नहीं तो सबका बुरा होगा। तूने सही कहा वासु, बदला लिए बिना मरे हुए लोग आत्मा बनकर भटकते हैं। बदला पूरा होने पर वो खुद ही शांत हो जाएंगे। बस करो, तुम सब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बिना नॉर्मल नहीं होगे। बस करो जय, तुम्हारा पागलपन हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? इन पढ़े लिखे लोगों की यही प्रॉब्लम है, यकीन करते हैं तो पूरी तरह करते हैं, नहीं तो तरह तरह की बीमारियों का नाम लेकर हॉस्पिटल के पीछे घूमते हैं। अगर ये बात सच है तो इस घर से हमारा कोई संबंध नहीं है, उस भूत का हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो हम लोग उससे क्यों डरें? क्यों ये घर खाली करके जाएं? इस भूत के बारे में पता लगाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और इसकी पूरी जानकारी हमें काम वाले देंगे, समझ गया ना? तुमने सही कहा विहारी, इस घर में क्या हुआ था उसी को पता होगा, उसी से पूछते हैं। ठीक है, उसी से पूछ लेते हैं। अरे जीजू, क्या हुआ? आप यहाँ से जा रहे हैं क्या? क्या रे, तूने काम वाले को दिखाया क्या? अभी तो इस तरफ गया था। इस तरफ? वैसे उससे क्या काम है? भूत के बारे में जानने के लिए। भूत के? जब पता चलेगा कि कौन सा भूत अंदर है, तभी तो भगाने में आसानी होगी। वो जरूर कोई लड़की है, उसके मौत का कारण क्या है पता लगा कि अगर उसके बदला लेने में सच्चाई है तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। सुपर यार, ऐसा ही करते हैं। हे काम वाला, ए इधर आ। कहिए साहब, आखिर इस घर में हो क्या रहा है? भूत कहां से आया? पता नहीं मैडम, मैं नहीं जानता, मुझे भी बहुत डर लगता है। कम से कम तुझे तो पता होना चाहिए। इस घर में किसी की मौत वगैरह हुई थी क्या? ये सब आपको गांव में पांडू बाबा ही बता सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें बुला लाऊं। जो भी है उसे जल्दी ले आओ। ठीक है मैम साहब।
घर में एक भूतनी है, वो अशांत है, वो बदला लेने के लिए तड़प रही है। स्वामी, आप इसे जमीन पे क्यों बैठ गए? मुझे कहाँ बैठना है ये तू बताएगा क्या? आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। इसे माफ कर दीजिए ना स्वामी। मैं भूतनी के लिए आया हूँ, मुझे गांजे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दौड़ा कर मारूंगा भूतनी को, दौड़ा कर मारूंगा। तुरंत पूजा शुरू करनी होगी, तैयारियां करो। तुम सभी मेरे सामने आ जाओ। श्रीम आवाहयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं आवाहयामि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं आवाहयामि। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं 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 आवाहयामि। हाँ, वो भूतनी बहुत ही चालाकी से खेल रही है, वो तुम्ही में से किसी के अंदर छुपी है। स्वामी, किसके अंदर छुपी है? निकालूंगा, बाहर निकालूंगा। सारे अपनी चप्पल लेकर यहाँ आओ। अभी लाता हूँ स्वामी जी। वो तुम लोगों में ही छुपी है, करूंगा उसका अंत करूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आवाहयामि। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं आवाहयामि। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं आवाहयामि। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं आवाहयामि। अब तुम सब एक दूसरे को चप्पल से मारो। रुक जाओ, भूतनी नाटक कर रही है मुझसे। अभी बाहर निकालता हूं, फिर से मारो एक दूसरे को। रुक जाओ, भूतनी नाटक कर रही है मुझसे, फिर से मारो। भूतनी नहीं टकले, तू नाटक कर रहा। मारो से। मारो, मारो। तो, ए, क्या हुआ रे? तू फ्रिज में कैसे पहुंच गया? और ये घाव कैसा? किसने मारा तुझे? पता नहीं, पर बहुत मारा मुझे।
क्या हुआ साहब? पता नहीं किसी ने मारा है। अभी नशा नहीं उतरा इसका, पकड़ो ले चलते से। अच्छा ठीक है साहब। ये इतना वजनदार कैसे हो गया? क्यों रे, यहाँ सच में भूत नहीं है क्या? पता लगाना तेरा काम है ना। वैसे भी गांव में तू सबका भूत उतारने के लिए चप्पल से पिटवाता है ना। अरे वो सभी गांव वाले हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं कालू, भूतनी भी पढ़ी लिखी होगी ना। ऐसा है क्या, तुम्हें भूतों के बारे में बड़ी जानकारी है? जाने दे, चप्पल लाकर चारों तरफ डाल दे, किसी भी वक्त आके हमें मार सकती है। अच्छा ठीक है। टाटा को भूत लग जाए तो बाटा की चप्पल से मारते हैं या मामूली चप्पल से? अरे चप्पल चप्पल होती है, किसी से भी मारोगे तो लगेगी ना। वो बहुत पैसे वाले हैं ना, इसीलिए पूछा। कॉफी। सुपर, बहुत अच्छी है, तुम इतनी अच्छी कॉफी बना लेती हो, सोचा नहीं था। I like you. आज से तुम्हें हर दिन कॉफी बना के दूंगी। ओह सच में? थैंक यू। फ्रेंड की तरह नहीं, तुम्हारी लवर की तरह। What nonsense you are talking? क्या बात कर रही हो तुम वासु? जी हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? पसंद प्यार करना नहीं होता? बिना पसंद के प्यार नहीं होता? अगर पसंद करने वाली हर लड़की से प्यार करने लगूं, तो इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां अब तक मेरी लवर बन जाती। ओके, ये सब बातें छोड़ो। कुछ समय पहले एक लड़की से फोन पे परिचय हुआ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। आई एम सॉरी। आज तो तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, तो तुम्हें ये बात अब पता चली है? पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है बिहारी कि तुम ऐसी बातें भी कर सकते हो। इन लड़कियों की तो तारीफ करना भी गलत है, नहीं करोगे तब भी गलत है। तारीफ नहीं करोगे तो मैं सुंदर नहीं हूँ ऐसा पूछती है, और तारीफ कर दो तो बोलती है फ्लर्ट कर रहे हो। लड़कियों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड हमारी तारीफ करे, और ऐसा दिखाकर हम अपनी सारी सहेलियों को जेलस फील कराना चाहते हैं। और तुम बॉयफ्रेंड होकर भी इतना नहीं कर सकते? तुम सुंदर हो, सुंदर हो। अगर मैं ये लाख बार कहूंगा तो ना ही तुम्हारी सुंदरता कम होगी, ना ही तुमसे प्यार कम होगा। तुमसे प्यार करता हूँ इसी का मतलब है कि तुम जैसे भी हो मेरे लिए सुंदर हो। अरे कुछ भी कहती हूँ तो फैन हूँ बोलकर चुप करा देते हो, ना कभी प्यार से बात करते हो, ना प्यार से देखते हो। जब भी देखो जय जय करके उसके पीछे घूमते रहते हो, कभी मेरा भी तो इतना ख्याल रखा करो। जय मेरा दोस्त है यार, और तुम मेरी जान हो। असल में इसका उसका क्या लिंक है? उसने मुझसे मदद मांगी है और उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, पर मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कविता। बात तो तुमने सही कही, चलो मान लिया। तुम यकीन करो या ना करो, पर सच्चाई तो यही है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ खास नहीं मैडम,
माचिस के लिए आया हूँ, मुझे बीड़ी जलानी है। यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? माचिस वहाँ पर है। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बीड़ी पीना है तो बाहर जाके पियो, मुझे ये सब पसंद नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम। पता नहीं क्यों विलेन जैसा लुक दे रहा है वो और उसकी फालतू एक्टिंग, पुराने फिल्मों के गुंडों की तरह। शिट, फालतू में डर गई थी। सारे नल अचानक चालू कैसे हो गए? अच्छा तो आप दोनों फ्रेंड्स बन गए क्या? क्यों बन नहीं सकते, झगड़े से तो शुरू हुई हमारी फ्रेंडशिप, क्यों बिहारी? हमारा रिश्ता ही झगड़े से जुड़ा है और ये हमेशा रहेगा। ये बात तूने यहाँ बोल दी पर दूसरी जगह मत बोलना। अच्छा शराब पीकर सबको मैनेज कर रहे हो? राज खुल गया ना तो कौशिका छोड़ देगी। सिर्फ छोड़ेगी नहीं, पता चला तो मार भी डालेगी। उसे ये बात मत बताना, इस बात को हम सब यही भूल जाते हैं। एनीवेज किसी दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा यार, नेक्स्ट मंथ हम तीनों की शादी होगी, एक ही जगह पर एक ही समय पे होगी। अच्छा तो तुम तीनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई है? किसके बारे में बात कर रही हो? तेरी और जय की। जय मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो दूसरी लड़की से प्यार करता है और उसी लड़की से हमेशा फोन पे बात करता रहता है। वो लड़की कौन है वो हम तीनों जानते हैं, सिर्फ जय को उस लड़की के बारे में नहीं पता। वही पता लगा लेंगे, कितने दिन छिपा सकते हैं। खैर वो सब। ए, मेरे खाली करने तक यही रुकना। अंदर आओ ना। कहाँ आऊँ? चिची मैं उस टाइप का नहीं हूँ रे। अरे मजाक मत करो, मैं भी उस टाइप का नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। क्या हुआ? भगवान, अंदर मैंने उसको देखा, मैं सुसु करके आया तो वो मेरे पीछे ही खड़ी थी। आपने तुम जाओ ना देखो। क्या हुआ? अंदर कोई औरत है। ए, इतना वेट क्यों करवा रही हो? मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत वक्त बाकी है, थोड़ा तो इंतजार करो, जब तुम्हारी आंखों के सामने आऊंगी तब देख लेना। तुम्हारी बातें सुनकर साल मिनटों में बदल जाता है और जब तुम्हें देखने की इच्छा हो तो मिनट साल में बदल जाता है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। सामने से देखकर अगर तुम कहीं इरादा बदल दोगे तो? लेकिन कुछ भी हो जाए हम इसी तरह फोन पे बात करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा। एक मिनट रुको।
बोलो ना क्या हुआ। जितनी बार पूछोगे यही बोलूंगा, जितने भी जन्म मिले मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इरादा तो नहीं बदलोगे? मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। रूप से पैदा होने वाला प्यार भिखारी के कटोरे में डाले गए रुपए की तरह कोई भी डाल सकता है। दिल से पैदा होने वाला प्यार मणिरत्नम की मूवी की तरह होता है। चाहे कितने भी साल हो जाए मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। आई लव यू, ये सच है। इससे बेहतर बोलना मुझे नहीं आता। ये इस तरह से भाग क्यों रहा है? क्या हुआ रे, ऐसे भाग क्यों रहा है? भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पकड़ना तेरे पास की बात नहीं है, वो भूत ही तुझे भगा रही है। डर लगा तो हाथ पैर हिलने चाहिए ना, मेरा तो कुछ भी नहीं हिल रहा है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो उस भूतनी के डर से तू चक्कर पे चक्कर लगाएगा। चल जा। क्यों रे, भूतनी दिखाई दे गई? अभी अभी छोड़ा उसने। हमेशा फोन पे रहते हो, मुझसे बात भी नहीं करते हो। बात क्यों नहीं कर रहा हूं? मतलब हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूं। प्यार से मेरे साथ बात करके 10 दिन बीत गए हैं। फोन पे तो घंटों घंटों बातें किया करते थे, अब सामने होकर भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो। गर्ल्स की यही प्रॉब्लम है, कितना भी प्यार करो गलती निकाल ही लेती है। प्यार कम हो रहा है कहना गलत है? प्यार बढ़ाने से बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी कभी कम नहीं होगा। आई लव यू वासु। इसे बांध लो, इसे देखते ही सारे भूत भागने लगेंगे। भूतों से डरने वाले बच्चों को जाकर ये बात बोल, इस अगरबत्ती को नहीं। वैसे ये सारे भूत मुझे देखते ही रिवर्स गियर मारकर भाग जाते हैं। सीन रिवर्स हो गया तो तेरे गाल गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। अबे जा, तुझे देखते ही समझ गया था मैं कि तू हमसे पैसे लूटने के लिए आया है। चल भाग। आया बड़ा भूत भगाने वाला। भूत भगाने आया है? वो तो कोई अगरबत्ती भगाएगा अपने धुएं से। वसु 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 वसु, क्या हुआ क्या हुआ? बोलो ना, बोलो ना, क्या हुआ? जरूर कविता ही होगी। कविता, 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 कहाँ हो तुम? कविता, 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 अरे क्या कर रही है? अरे अरे मुझे गाली कर रही है अंदर। अरे छोड़ छोड़ मुझे। अरे क्या कर रही है? मेरी तरफ क्या?
में खड़ा है, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। क्या हो रहा था? अंदर अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, बता आखिर क्या हो रहा था? अबे टकले, तेरी बात सही निकली यार, अंदर मुझे भूतनी ने मार मार कर कालू से लालू बना दिया। भूत नहीं होता, भूत नहीं, नहीं लगे कि तेरी माँ मर गया। आज हम मेरे टकले की महारानी, आज तुझसे शादी करके ही जाऊंगा। तूने मुझसे झूठ कहा था? अरे नहीं टकले, अंदर सच में एक भूत है। अरे अंदर एक भूत नहीं है, तीन भूत हैं। क्या हुआ यार, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर रहेंगे तो जान जाने का खतरा है यार, इसलिए जा रहे हैं। हाँ भैया, आप चाहें तो हम किसी और जगह जा सकते हैं। छोटे बच्चे हो क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो? भूतों पर विश्वास करते हो क्या? यहाँ का माहौल देखकर भरोसा करना पड़ रहा है यार। जानबूझकर कोई अपनी जान को खतरे में नहीं डालता, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम तुम लोगों को बचाना चाहते हैं। कुछ भी हो मैं यहीं रहूंगा, जिसे मुझ पर भरोसा हो वो मेरे साथ रहेगा, जिसे ना हो वो जा सकता है। मुझे तुम पर भरोसा है जय, मैं रहूंगी। बहुत थैंक्स वासु, जो मुझे बचपन से जानते हैं उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसा मत बोले यार, मैं तुम पर भरोसा क्यों नहीं करूंगा, मैं तो बस आगे का सोच के बोला था। अच्छा तो यहाँ हमेशा रहना चाहते हो क्या? बिल्कुल। यही रहो ना यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग यहाँ हो इसलिए मैं यहाँ रुक भी जाऊंगी। थैंक्स कविता, मुझ पे भरोसा करने के लिए। चाहे कुछ भी हो हमें यही रहना होगा। इस भूत का क्या लफड़ा यार, इंजॉय करने आए थे आप परेशान हो रहे हैं। कब किस वक्त अटैक करेगी ये सोच के ही मेरी तो सुसु निकल जाती है, उसे भगाना ही होगा। उस भूत को भगाने से बेहतर है पता करें कि उसे क्या चाहिए। सुपर मेरे यार, आखिर भूत को क्या चाहिए ये पता लगा कर रहेंगे। जब उसकी पीड़ा हमसे दूर हो जाएगी। और वो मेरे सारे लड्डू खा गई जीजू। वो जरूर भूखी प्यासी भूतनी होगी, किसी तरह उसे बोतल में बंद कर दूंगा। गजकर्मा घोटक मा टक तमाली भूत पिशाचनी, बता कहां से आई है,
कौन है तू बता। मेरे बंधन से भाग नहीं पाएगी, अब तुझे बंदी बना लूंगा। बदला लेने के लिए तड़पने वाली आत्मा जब तक ये बदला नहीं लेगी किसी को नहीं छोड़ेगी। स्वामी भूतनी कैसी होती है हमें दिखाइए ना। गन को देखना चाहो तो गलत नहीं है, बुलेट को देखना चाहोगी तो मर जाओगी। आओ हयामी, आओ हयामी, आओ हयामी। ये भूतनी बदले की भावना से तड़प रही है, अगर उकसा कर छोड़ोगे तो जान से जाओगे। आपने तो कमाल कर दिया बाबा जी, आखिरकार भूत को बंदी बना ही लिया। हाँ अब जाओ यहाँ से। भूत के पछाड़ने पर इंसान ऐसा हो जाता है विहारी, आखिर भूत होता क्या है? ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है विहारी। देखो आज से तुम लोग उस कमरे में रहोगे और हम तीनों इस रूम में रहेंगे। सुनिए हमें कहीं भी जाना हो साथ मिलकर जाएंगे, हम में से किसी पर भी भूत ने अटैक किया तो सभी मिलकर उस जोलू बाबा को यहाँ लेकर आएंगे। तुम लोग क्या बोल रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा बाबा है, मंदिर के सामने भीख मांगता है क्या? देखो जय मैंने अपनी आँखों से देखा है वो भूतों को भगा रहे हैं। जय सबको इतना लाइटली मत लो, वो क्या कह रहे हैं उनकी भी बात सुनो। अब से हम सब मिलकर लड़ेंगे, विहारी की बात मानेंगे। थैंक्स संदीप, तुम तीनों उस रूम में रहोगे, हम तीनों इस रूम में रहेंगे। लवर के साथ सोने के दिनों में उस भूतनी की वजह से तुम तीनों के साथ सोना पड़ रहा है। सिर्फ तेरी ही नहीं विहारी, हमारी भी गर्लफ्रेंड्स हैं। ओके मेरा कोई नहीं है, मैं हमेशा अकेला ही सोता हूं। ए, हकीकत में भूत होते हैं क्या? भूत कहाँ होते हैं यार, इंसानों के लिए यहाँ जगह नहीं है। भूत भूत कुछ नहीं होता, हम डरेंगे तो भूत सामने आएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। सब मन का वहम है ये। अरे यार बहुत थक गया। अरे विहारी ये सब छोड़ यार, चलो सो जाते हैं, बहुत थक गया हूँ यार। कभी सोचा भी नहीं था तुम दोनों के साथ सोना पड़ेगा। अरे आराम से यार। अरे यार ए चिपक मत, चल जाओ उधर। क्या कर रहा है यार, ए हटना, हट हट। ए क्या कर रहा है यार, उधर ए सो जाओ यार। ए विहारी, ए विहारी उठना यार। अरे किसी ने मुझे मारा यार, इतनी रात को क्यों उठाया, सो जा यार। किसी ने मारा यार, रात में मत उठाया कर यार, सो जा। कौन मारेगा लेकिन, सो जाना अभी। सोने देना। नहीं यार, तू तो सच बोल रहा था यार, उसने मुझे भी मारा। मैंने कहा था ना, लेकिन तू नहीं माना।
लगता है सपना था यार। मुझे भी ऐसे लग रहा है। चल सो जाते हैं, छोड़। अरे ए, ए, क्या हुआ यार? अरे बिहारी, इसको क्या हुआ यार? किसी ने मुझे मारा यार। हाँ? क्या हुआ यार? पहले मुझे मारा, फिर इसको और तुझे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार। अरे हम सब मर्द है यार, हम क्यों डरे? हाँ, चलो सो जाते। सो जा। हाँ, सो जा। सो जाते। अरे यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही है, चलो निकल दे यहाँ से। ठीक है यार, मुझे डर लग रहा है यार। चलो। कौन था वो? किसने मारा यार? अरे तुझे भी मारा? क्या हो रहा है यार? अरे यार, यार ये बेड पे कुछ तो है यार। क्या हो सकता है यार? छोड़, हम यही तो सकता है यार। पता नहीं यार, क्या धमाल मचाया उसने, हम सबको मारा। छोड़ दो सब, ये सब छोड़ दे। ये सब क्या चल रहा है यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यहीं पर ठीक हूँ भाई, मैं बेड पर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं उस बेड पर नहीं सोने वाला, हम तीनों जमीन पर सो जाते। बिल्कुल। क्या बात है वासु? कुछ नहीं जय, वो तो छोड़ दो, छोड़ दो, तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मजाक की बेहद होती है, छोड़ो, छोड़ो मुझे। से मजाक क्यों करूंगी, आज मैं तुझे मार डालूंगी, मारूंगी तुझे। क्या हुआ जय, मुझे धक्का क्यों दिया, मुझ पर इतना गुस्सा आया क्या? वो तुम पैर फिसलने से गिर गई। ओके। ओके। आज नहीं, आज नहीं। आज इसे क्या हुआ, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है? हाय जय। हाय यार। हाय हाय। अरे यार, मुझे लगता है यहाँ पे रहना इतना सेफ नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन है। हाँ जय, संदीप की बातों में सच्चाई लग रही है मुझे, यहाँ जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। इस तरह डरकर भागने से क्या होगा, जो भी है उसका पर्दाफाश करके जाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। पैसा तुम्हें अपनी जान से बढ़कर है क्या? हर बार पैसे के बारे में सोचता है,
कभी तो अपने बारे में और अपने दोस्तों के बारे में सोच। सही बात है जय, पैसे जाएंगे तो बाद में हम कमा भी सकते हैं, पर हमारे साथ अगर कुछ बुरा होकर हमारी जान चली जाए तो जान ला सकते हैं क्या? एक बार सोच कर तो देख। मुझे डर के भाग जाना अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जब इंसानों से नहीं डरा तो भूतों से क्या डरना? समझने की कोशिश करो जय, मेरे नजर में जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तेरे बारे में, तेरी दोस्ती के बारे में सोच रहा हूँ। समझ में आया तो करो, नहीं तो इस बात को यही छोड़ दो। तुम कुछ भी करो जय, लेकिन कभी रिस्क मत लेना। इसमें कैसा रिस्क है यार? नो प्रॉब्लम, आई टेक केयर अबाउट दिस, डोंट वरी यार, बी कूल। ठीक है, तेरी मर्जी। क्या है ये सब? किसने किया होगा? अरे यार क्या ढूंढ रहा है यार? मेरा बॉन्ड पेपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहां चला गया। देखो कौन है तू? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं भैया। ये कौन है रे? झूठ बोलना बंद करो। चुराया है। भी नहीं जानता। मेरा पेपर चोरी किया तूने? मुझे कुछ भी नहीं पता भैया। भैया मुझे नहीं पता। अबे ये नाटक कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। कल ही उसका फाइनल हो जाएगा, वो भाग जाएगी। इतने दिनों से तुम दोनों ही हमें डरा रहे हो ना? मारेंगे तभी सच्चाई निकलेगी। झूठ बोलता है हमसे? तेरी तो भाग्या तो बता क्यों किया ऐसा? ये सब कुछ मैंने नहीं किया। कितनी बार बोला तुझे मुझे कॉल मत करना, तेरे से बात करना मुझे पसंद नहीं है, फोन रख। प्लीज राकेश, एक बार तुमसे बात करनी है, कॉल कट मत करना। हाँ जल्दी बोल क्या है। पहले तुम मुझसे बात करने के लिए तरसा करते थे, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हो, क्या हुआ राकेश? हमने अब तक जो भी किया उसे भूल जाओ, मैं तुझसे बोर हो गया हूं, मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं मैं? ऐसे क्यों कह रहे हो? एक पल के लिए भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगी तो पागल होकर मर जाऊंगी, तो मैं कैसे भूल जाऊं तुम्हें राकेश? हाँ मर जाओ तुम। तो तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार कौन करता है आजकल,
आजकल प्यार पूरी बोतल जैसी होती है, जब तक उसमें शराब है उसकी वैल्यू होती है, जब वो खाली हो जाती है कचरे में चली जाती है। अब तेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, एम्प्टी बॉटल। मैं अब प्रेग्नेंट हूं राकेश। इस जमाने में ये आम बात हो गई है। प्लीज राकेश, मुझसे शादी कर लो राकेश, प्लीज। जितनी बार बोला फिर भी वही घूम के आती है, तू ऐसे नहीं मानेगी, जान से मारूंगा तुझे मैं। तेरा साया बन के आई हूँ, आजा बस आजा तू। आ, 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 कौन है आप? कौन है? ओ, ओ, ओ। मेरे बगैर तू मर जाएगी कह रही थी ना, अब मरना। मुझे मत मारो राकेश, मुझे मत मारो, ऐसा मत करो राकेश, ऐसा मत करो, मत मारो राकेश, मत मारो, मत मारो राकेश। मेरी एक बहन है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दहेज देकर अपनी बहन की शादी कर सकूं। मैं उसकी शादी नहीं कर पा रहा हूं। उसका इसके साथ क्या संबंध है? हमें डराने से तेरी बहन की शादी हो जाएगी क्या? नहीं प्यारी, और मरोगे तो ये मर जाएगा। आपके हाथ से मर जाने से मुझे कोई दुख नहीं होगा मैडम, मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूं, ये बड़ा दुख है मैडम। क्यों नहीं कर पा रहे हो? बहन की शादी में क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी बहन की शादी उसे महारानी बना के करना चाहता हूँ। इसलिए घर को हड़पना चाहता है? इसी घर के भरोसे पिछले 20 सालों से गुलामी की है मैंने, अब अचानक आप यहाँ पर आकर रहने लगे तो मैं कहाँ जाऊंगा साहब? मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। असल में इतना दुख सहते हुए तुम हमें क्यों डरा रहे थे? अगर तुम हमें अपना दुख बता देते तो हम तुम्हारी मदद कर सकते थे। सही कहा तुमने, जो हाथ किसी गरीब के आंसू नहीं पोंछते उसका होना नहीं होना बराबर ही है। इंसानों में अभी भी इंसानियत मरी नहीं, तूने एक बार और साबित कर दिया कविता। I also support you। ये फैसला लेने का हक हमें नहीं है, जय को है। ये उसका अपना खुद का मैटर है, वही फाइनल करेगा। अब ये घर तेरा है, तुझे मिलना ही चाहिए। चल यार यहां से चलते हैं। हुँ।
अगर ये सब काम वाले ने किया था तो हमने घर में जिस भूत को देखा था वो कहाँ से आया था? हाँ यार, भूत तो मैंने भी देखा था। हाँ तो वहाँ पर अब भी भूत है क्या? काम वाले ने तो सिर्फ हमें डराने की कोशिश की थी, लेकिन असल में हमें भूत नहीं डराया था। अगर भूत नहीं था तो हमें मारने की कोशिश कौन कर रहा था? चलो। ओके, चलो। हैप्पी बर्थडे अनन्या। तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं, मैं वहीं पर जा रहा हूं, तुम भी जल्दी आ जाना। ओके थैंक्स। ओके बाय। कौन है वहां?